أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد هذه بقعة مباركة فقال إذن شاطيا بالواد الأيمن صلوات अज़्ज़ान मोहतरम व बरादरान अज़ीज़, गुफ्तगु मजीद और अली के दरमियान जारी थी, जिसमें मजीद ने पूछा अली से कि खाके शिफा करबला की उसकी क्या खसूसियत है कि जिसकी वजह से तुम लोग इस खाके शिफा के मोहर पर सजदा किया करते हो। ये जिस तरीके के एतराजात हम पर इस वक्त वहाबियत की तरफ से आ रहे हैं, ये हर जमाने में हर जगह पर कहीं ना कहीं ये मसाइल होते ही हैं। आजकल अलबत्ता ज्यादा हो गए, चुनांचे तेहरान में भी किसी जमाने में एक डॉक्टर अली शरीयती करके एक साहब हुआ करते थे, जो यूरोप से पढ़ करके आए थे और तेहरान यूनिवर्सिटी में तकरीर किया करते थे। नौजवान बड़े शौक से उसकी तकरीर सुना करते थे। उसके भी चंद ऐसे मारूजात थे, जिसमें से एक उसका मुहिम तरीन जुमला ये था कि दीन इस्लाम को रूहानियत के बगैर होना चाहिए, और इसीलिए अल्लामा मजलिसी पर और जो जो उलमा हजरात बादशाहों के दरबार में जा चुके थे उनके खिलाफ शिद्दत से बोला करते थे, जबकि उनका ये नजरिया गलत था। दीन उमिन इस्लाम की खिदमत की खातिर अगर बादशाहों के पास भी जाए, जैसे ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी गए थे, उसमें कोई हरज नहीं। खिदमत के जज्बे से जाए, दीन अहले बैत को फैलाने की नीयत से जाए, उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन डॉक्टर शरीयती सब पर एतराज किया करते और कहा करते दीन मुबीन इस्लाम रूहानियत के बगैर होना चाहिए। उनके जो है मुख्तलिफ नजरियात थे, और कभी वो कहा करते थे कि कुरान अरबी में पढ़ना बिल्कुल बेकार है, बल्कि उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, और कोई इंसान कुरान के मफहूम को समझता है तो अरबी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं, और अगर अरबी में पढ़ता है मफहूम नहीं समझता है तो उस अरबी का कुरान पढ़ना बिल्कुल बेकार है, और अगर कोई मफहूम है कुरान को समझ रहा है तो अरबी की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस किस्म के नज़रियात थे, जबकि नज़रियात गलत है। साफ साफ जो है तमाम मराजे के फतावे हैं कि कुरान को अरबी में पढ़ना, असल कुरान अरबी में ही है, लेकिन उसके खिलाफ वो कहा करता था। इसी तरीके से उसका नजरिया था कि मातम और गिरिया गलत है, इंसान को रोना नहीं चाहिए, अगरचे के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, इसलिए कि रोने से तो इंसान के जज्बात ठंडे हो जाया करते और जालिमों से मुकाबला करने की ताकत सुस्त पड़ जाया करती। इंसान जो है जज्बात के लिहाज से ठंडा हो जाए तो जालिमों से इंतकाम लेने का जज्बा कम हो जाया करता।
چنانچہ اگر ہمیں انتقام کا جذبہ قاتلین حسین سے باقی رکھنا ہے تو ہمیں گریہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے ظالموں سے بدلہ لینے کی خاطر گریہ کو روک کر رکھنا چاہیے تاکہ جذبات ہمیشہ اندر قائم رہے اور ظالموں سے بدلہ لینے کا جذبہ مکمل باقی رہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جو ہے گریہ کرنے کا تمام ائمہ معصومین نے ثواب بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ائمہ معصومین نے خود گریہ کر کے اور اپنے گھر والوں کو گریہ کروا کر کے اور خود ائمہ معصومین نے گریہ کی محفلیں برپا کر کے یہ دکھایا کہ نہیں، گریہ کرنے کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ثواب بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا تیسرا نظریہ تھا کہ دعا بالکل بیکار ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ دعا جو ہے انسان کو افیم کی طرح سلا دیا کرتا ہے۔ وہ ان کا اپنا نظریہ تھا، اس طرح مارس کارل کا نظریہ تھا روس کے اندر کہ مذہب انسان کو سلا دیا کرتا، مذہب انسان کو جو ہے بالکل سست بنا دیا کر، بالکل جو ہے بیکار بنا دیا کر، اور اس کے نتیجے کے اندر اگر کسی کو مذہبی جذبہ ہو تو اس کے نتیجے میں بالکل سو کر کے رہ جاتا ہے، کام کرنے سے نکما ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مذہب نہیں ہونا چاہیے تاکہ انسان باہر کی دنیا میں نکل کر کے آگے بڑھ کر کے کام کر سکے۔ یہ مارکس کارل کا جو ہے نظریہ تھا، روس والے جو ہے وہ عقیدے جو کمیونسٹ عقیدے والے تھے ان کا نظریہ تھا۔ اسی طرح علی شریعتی کا بھی ایک نظریہ تھا کہ دعا بھی انسان کو افیم کی طرح سلا دیا کرتا، دعا مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو اور جو ہے نکمے لوگ وہاں پر مسجدوں امام بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں، میدان عمل میں نکل کے کوئی کام ہی نہیں کر رہے، یہ تو انسان کو نکما بنا رہے ہیں، افیم کی طرح ہے، وہ علی شریعت ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ اس مسئلے میں بھی غلطی کر رہے ہیں، دعا کی اہم ترین شرط ہی ہے کہ تم پہلے اپنے کرنے کا عمل میدان عمل میں نکل کر کے خود کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، نتیجہ جو ہے اللہ سے چاہو۔ پہلے دعا کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ عمل خود کرو اور پھر جو ہے بعد میں جو ہے دعا کیا کرو، پھر دیکھو نتیجہ کتنا اچھا آیا کرتا۔ انہوں نے چند نکمے لوگوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالا کہ دعا ہر ایک کو جو سلا دیا کرتی اور افیم کی طرح ہوا کرتی، تو یہ مصیبتیں ہر زمانے میں ہوا کرتی ہیں اور یہ اس قسم کے اعتراضات ہر زمانے میں آئے۔ تو آج کل کے زمانے وہابیت کی طرف سے مختلف اعتراضات آتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ کربلا کی زمین، اس کی خاصیت اور ان کی خاک کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ آپ لوگ جو ہے کربلا کی زمین کے اوپر سجدہ کیا کرتے ہیں؟ تو علی نے جواب دیا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کربلا کی مہر پر ہم جب سجدہ کیا کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سجدہ بہت مورد قبول واقع ہوا کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کو شگافتہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پہنچا کرتی، قبولیت کا درجہ اسی خاک شفا کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر کے وہ بڑا عجیب سوال کرتا ہے کہ کیا باطل نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اختیار کر لیا کرتی ہیں؟ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ باطل نماز کی بات نہیں ہے، بلکہ جو شرائط کے مطابق نماز ہوگی اس کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا نہ ہونا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ قبولیت کے درجے تک لے جانا ہے تو اس کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ مورد قبول ہوا کرتی۔ بہت ساری ایسی عبادتیں کہ صحیح ہونے کے باوجود قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرتی، جیسے کہا کہ کوئی انسان غیبت کرتا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی، نماز بالکل صحیح ہے لیکن پھر بھی قبولیت کا درجہ اختیار نہیں کرتی، کیونکہ غیبت کی ہوئی ہے، اس نے غیبت کی کسی مومن کی اور کسی مومن کی عزت کو اتار، اس کے نتیجے میں پروردگار 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا، حالانکہ وہ صحیح بھی ہے، صحیح نمازیں جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا کرتی، لیکن کربلا کی خاک شفا ایسی ہے جو قبولیت کے درجے تک انسان کی نمازوں اور عبادتوں کو پہنچایا کرتی ہے۔ چنانچہ مجید آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ کربلا کے اندر ایسی کون سی خصوصیت تھی؟ چنانچہ اب علی کربلا کی امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو بیان کرتا ہے، ایک روایت جو ہے یہاں پر موجود ہے
कि करबला को परवरदिगार आलम ने 10 ऐसी खसूसियत दी है जो जमीन के अंदर किसी और जमीन को ऐसी दुनिया में कबूलियत और खसूसियत नहीं दी जो करबला को अता की गई है। पहली खसूसियत यह है कि करबला को अल्लाह ने वो खसूसियत दी है कि जिस शख्स को करबला नसीब हो जाए, करबला की खाक उसके लिए जो है करबला खुद कब्र उसके लिए जन्नत बन जाया करती है। दूसरी खसूसियत यह कि करबला इंसान को मैदान कयामत में भी काम आया करती। तीसरी खसूसियत यह है कि इंसान को पुल सिरात पर भी काम आया करती। चौथी खसूसियत यह कि कुरान में जो अभी आयत पढ़ी हमने सरनामा कमा कलाम में, दो जगह पर सूरह कसस में कुरान में करबला का तस्करा हुआ। एक तो करबला की जमीन का तस्करा हुआ, दूसरा करबला की के जमीन के अलावा करबला के दरियाए फुरात का भी तस्करा आया है। पहला इरशाद हुआ हाज़िल बुक़अतुल मुबारका, हज़रत मूसा को खिताब करते हुए परवरदिगार आलम ने खिताब किया कि हाज़िल बुक़अतुल मुबारका, ए मूसा ये मुबारक जमीन है जिस पर तुम कदम रखे हुए हो। शाती बिलवादिल मुकद्दस तवा, और फिर जो है कहा कि वो परवरदिगार आलम ने उस दरिया से दाएं जानिब से हजरत मूसा को पुकारा जो दरिया फुरात के दाएं जानिब था, उस जानिब से परवरदिगार आलम ने मूसा को पुकारा। शाती है ना दरिया के किनारा, बिलवादिल मुकद्दस तवा यानी वो वादी के जो दाएं जानिब थी उस जानिब से पुकारा। चनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए सूरह कसस में दो जगह पर करबला का तस्करा है, करबला के नहर फुरात का भी तस्करा आया और करबला की जमीन का भी तस्करा आया। ये जो है करबला की एक खास खसूसियत है कि एक ही वो जमीन है कि दो मरतबा एक ही आयत कुरान में करबला का इस तरह तस्करा आया कि एक ही दफा में एक ही आयत के अंदर दो दो चीजें करबला की एक ही साथ जिक्र हुई, बाकी और किसी जमीन को ये शरफ हासिल नहीं कि कुरान में उनका दो दो दफा एक दफा एक जगह पर तस्करा आया हो। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके अलावा छठी खसूसियत ये है कि करबला ने वो खसूसियत दिखाई है कि एक दिन मक्का की जमीन ने फख्र करना शुरू किया कि मैं कितनी अफजल जमीन हूं कि अल्लाह ने मुझ में हरम रखा हुआ है। हरम का मतलब है अमन की जगह पर जहां पर इंसान की जान माल इज्जत महफूज हुआ करती है, उस जमीन का नाम हरम हुआ करता है। चुनांचे मुझ में अल्लाह ने हरम रखा, मुझ में अल्लाह ने खाने काबा को रखा, मुझ में अल्लाह ने मकाम इब्राहिम को रखा, मुझ में अल्लाह ने जमजम को रखा, मुझ में अल्लाह ने सफा पहाड़ी को रखा, मुझ में अल्लाह ने मरवा पहाड़ी को रखा, और इतनी मुकद्दस मुकद्दस चीजें मेरे अंदर, खाने काबा जैसी चीज को मेरे अंदर रखा। मक्का की जमीन ये फख्र कर रही थी। तो एक मरतबा करबला की जमीन ने मक्का की जमीन से पुकार कर कहा कि तुम अपने हरम पर, हरम के होने पर इतना फख्र ना करो, इसलिए कि तुमसे पहले 20,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे तुमसे पहले हरम और अमन की जगह करार दिया है। और फिर इसी बात को मासूम नकल करते कि परवरदिगार आलम ने भी मक्का की जमीन से कहा कि तुम इतना फख्र न करो, तुमसे ज्यादा जो है हमने करबला की जमीन को फजीलत और शराफत अता की है। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सातवीं खसूसियत यह है कि करबला को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया है, इसलिए कि आपने सुन रखा होगा कि मस्जिद नबवी में एक हिस्सा वो है कि जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, और जिस तरह वहां पर जन्नत का टुकड़ा है, करबला की जमीन वैसे तो 12-12 मील खाके शिफा है चारों तरफ, लेकिन 20-20 गज के फासले पर चारों तरफ
अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा रखा हुआ, और जन्नत का टुकड़ा ऐसा रखा हुआ है कि जन्नत में भी खास जगह खास लोगों के लिए होंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि कराची की जमीनों के अंदर हर इलाके की जमीन की अलग कीमत हुआ करती है, जन्नत के अंदर भी रुतबे मुख्तलिफ होंगे और रुतबे मुख्तलिफ होने के लिहाज से जमीनों की कीमत अलग अलग हुआ करे। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। चुनांचे जन्नत के अंदर जगह अलग अलग बनी होंगी हर रुतबे में, लेकिन करबला की वो जमीन जो 12-12 गज चारों तरफ होगी, वो जमीन खास वो जगह होगी जहां पर अंबिया कराम के मकानात बनाए जाएंगे, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकान बनाया जाएगा, जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकान बनाया जाएगा, जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकान बनाया जाएगा, जहां पर सबसे बढ़कर हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान बनाया। तो करबला की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये वो जमीन है, ये 20-20 गज के फासले पर, जहां पर आप गुंबद के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, जहां पर गुंबद के नीचे आप खड़े हैं, गोया के जन्नत के टुकड़े में खड़े, और जन्नत के टुकड़े में खड़े होकर मुकद्दस मकाम पर जब आप दुआ मांगते तो उस दुआ की कीमत कुछ और ही हुआ करती, बारगाह इलाही में कबूल हो जाया करती है। चुनांचे इसको फरामोश ना करे, जब भी करबला जाए तो याद रखे कि आप जन्नत के टुकड़े में खड़े, जब 20-20 गज के फासले पर आप चारों तरफ खड़े रहे, वो जन्नत का टुकड़ा जिस तरह मदीना की मस्जिद के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर जन्नत का टुकड़ा हुआ करता है, करबला के चारों तरफ भी जो है जन्नत का टुकड़ा हुआ करता है। और उसमें भी जन्नत के टुकड़े में अल्लाह ने उलुल अज़्म अंबिया के मकानात बनाए, और साथ साथ जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी वहीं पर रखा हुआ। चुनांचे अंबिया कराम के भी मकानात उलुल अज़्म के वहीं पर होंगे और आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम के भी मकानात वहां पर होंगे। चुनांचे इस जमीन को उलुल अज़्म अंबिया के उस कदम में मुबारक की वजह से और जो है आइमे मासूमीन के घर की से शराफत तो मिली, और साथ साथ जो है उसी की वजह से शिया हजरात भी इसी से इस्तफा करते हैं, जन्नत के टुकड़े में खड़े होकर करबला में इन्हीं के वसीले से दुआ मांगते हैं। तो आप सोचिए कि इस दुआ की कीमत कितनी अजीम होगी, जिसमें अंबिया भी शामिल है, आइमे मासूमीन भी शामिल है, और कुर्बानियों का इसार और कुर्बानियों का मुजस्मा भी शामिल है। दुरूद भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। करबला की आठवीं खसूसियत यह है कि करबला की तुर्बत को खाके शिफा करार दिया गया है, और ये ऐसी खाके शिफा है कि जिसकी तमन्ना हर अंबिया को रही है, और जिसकी तमन्ना जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान और जन्नत के मलाइका की ख्वाहिश तमन्ना ये रहा करती है कि काश हमें खाके करबला और तुर्बत करबला कभी नसीब हो जाए। चुनांचे सारे अंबियाओं की खसूसियत ये रही है कि वो करबला के वाकये के पहले ही पहले दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने करबला के वाकयात सुने हुए थे, इसलिए उनकी बड़ी तमन्ना रहा करती थी कि काश हमें कभी करबला की ज्यारत नसीब हो जाए। इसी तरह तमाम हूरों, तमाम जो है वो अंबिया, तमाम जो है गलमान, तमाम जो है मलाइका की खसूसियत, तमाम मलाइका की ये ख्वाहिश रहा करती है, अगरचे के मलाइका के अंदर परवरदिगार आलम ने कुव्वत शहबिया नहीं भी रखा, लेकिन फिर भी जो है उनकी एक ही ख्वाहिश ये रहा करती है कि करबला की ज्यारत हमें नसीब हो जाए। दुरूद भेज दे मोहम्मद। और करबला की खसूसियत के हवाले से बस आखिरी नुक्ता, और उसके बाद आपकी जहमतों को ख़त्म कर रहे मसाइब की मंजिल में आ जाते हैं कि वो जो उम्मे सलमा की रवायत हज़रत आयशा से नकल करते हैं, हजरत तो आपको पता है कि कैसे थे। चुनांचे उम्मे सलमा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी गोद में हुसैन है, क्या आप
मौला हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम हुसैन की बात करती हो, बल्कि हुसैन उससे कोई मोहब्बत करने लगे तो वो मेरा मुहिब बन जाया करता, और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी मौला हुसैन की ज्यारत करे उसके नाम आमाल में मेरा एक हज और मेरा एक उमरा उसके नाम आमाल में लिख दिया जाए। रावी ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपका एक हज और आपका एक उमरा कैसे लिखा जा सकता जबकि इंसान सारी जिंदगी इबादत करे आपकी सांस के बराबर इबादत हासिल नहीं कर सकता, आपका एक हज और आपका एक उमरा कैसे हासिल कर सकता है। तो रसूलल्लाह ने कहा कि मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे दो हज और दो उमरे का सवाब ज़ाहिर हुसैन के नाम पर लिख दिया जाए। जब रसूलल्लाह ने कहा तो इस वक्त जो है रावी ने घबरा के कहा, या रसूलल्लाह, हमसे तो एक हज एक उमरा हजम नहीं हो रहा था, अब दो हज दो उमरे कह रहे हैं। कहा मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे तीन हज और तीन उमरे जो है ज़ाहिर हुसैन के नाम पर लिख दिए जाए। यहाँ तक कि सवाल करता रहा रावी और रसूलुल्लाह हज उमरे की तादाद बढ़ाते रहे, नब्बे हज और नब्बे उमरे तक पहुँच गए। जब नब्बे हज और नब्बे उमरे तक पहुँच गए तो एक मरतबा रावी ने घबरा के सवाल करना बंद कर दिया, एक मरतबा जो है नब्बे हज और नब्बे उमरे पर बात रुक गई। और जो है ये रवायत जब अल्लामा हिल्ली के सामने आई तो अल्लामा हिल्ली भी घबरा गए कि नब्बे हज और नब्बे उमरे कैसे हो सकते हैं। चुनांचे नब्बे हज और नब्बे उमरे को समझने के लिए, इस रवायत को समझने के लिए, वो रवायत जो बार बार की आपके सामने जिक्र की हुई रवायत है लेकिन चूंकि तस्करा आ गया तो मुसलसल जो है तस्करे के जिम्मे टूटने बात ना पाए, इसलिए जो है उसको गुजरते हुए आखिरी जो है मरहले तक पहुँचाते हुए हिल्ली के सामने जब ये बात आई तो एक मर्तबा घबरा करके उन्होंने सोचा कि जब ये रवायत मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक आदमी सारी जिंदगी इबादत करे तो रसूलुल्लाह की सांस के बराबर इबादत नहीं कर सकता है, तो फिर जो है रसूलुल्लाह के नब्बे हज और नब्बे उम्र के बराबर सवाब कैसे हासिल कर सकता है। चुनांचे जो है उन्होंने नजर कर ली कि मस्जिद सहला में 40 दिन तक जो है वो आमाल रात को अंजाम दूंगा ताकि जमाने के इमाम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो। इसलिए कि मस्जिद सहला के बारे में कि कोई 40 शब जुमा वहाँ पर आमाल अंजाम दे तो इमाम से मुलाकात हुआ करती है। चुनांचे अल्लामा हिल्ली जो है मुलाकात के लिए 40 दिन तक शब जुमा जाते रहे और 39 शब जुमा के बाद जब 40वीं शब जुमा के लिए निकले तो एक बद्दू अरब से मुलाकात हुई। बद्दू अरब ने जो है अल्लामा हिल्ली से कहा, ए अल्लामा तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लामा ने कहा कि मैं जो मस्जिद सहला जा रहा हूँ ताकि जो है इमाम से मुलाकात हो और मसले को दरियाफ्त करूँ किस तरीके से नब्बे हज और नब्बे उमरे का सवाब ज़ाहिर हुसैन के नाम पर हो सकता है। चुनांचे जो है आने वाले ने कहा कि इमाम की मुलाकात तो ठीक लेकिन इस मसले में मैं तुम्हें एक वाकया पेश करता हूँ, आप इस वाकये पर गौर करो। चुनांचे जो है कहा, एक बादशाह जो शिकार के लिए निकलना चाहता है, चुनांचे वो घोड़ा दौड़ाता एक मर्तबा जो है जंगल में अकेला रह जाता, पीछे मुड़कर देखता है तो कोई साथी नजर नहीं आता, अकेला है। और फिर उसके बाद इंतहाई प्यास लगी हुई, इंतहाई भूख की हालत है, ढूंढते बुढ़िया की कुटिया नजर आए, उसमें जाकर के झांक के देखा तो बुढ़िया के पास सिर्फ एक बकरी थी और उसके अलावा कोई सरमाया नहीं था। उसी बकरी के दूध को निकाल करके बुढ़िया जो अपनी जिंदगी गुजारा करती थी, चुनांचे जब जो है बादशाह वहां पहुंचा, इंतहाई प्यासा था, प्यास के आलम में जब पहुंचा तो बुढ़िया ने देखा प्यास के मारे ये बादशाह मर जाएगा। चुनांचे जल्दी से बुढ़िया ने दूध निकाल करके बादशाह को पेश किया और जब जो है प्यास बुझी तो एक मरतबा देखा कि भूख के मारे भी बुरी हालत है, बुढ़िया ने उस बकरी को ज़बह कर दिया और ज़बह करके कबाब करके बादशाह को खिलाए। और एक मर्तबा बादशाह जब अपनी जान में जान आई तो इतनी देर में उनके साथी पहुंच गए। बादशाह अब बुढ़िया से रुखसत होते हुए कहता कि ए ज़ईफ़ा, अगर तुम्हें शहर आना हो तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब जो है अब बुढ़िया चूँकि उसकी बकरी भी ज़िबा हो चुकी थी, उसके पास कोई सामान नहीं था जिससे गुजारा कर सके। चुनांचे जब अब बुढ़िया जब शहर पहुँचती है और पहुँचने के बाद बादशाह से मुलाकात करती तो बादशाह अब अल्लामा से पूछते आने वाले कि ए अल्लामा बताओ अब बादशाह उस बुढ़िया को कितनी बकरियां दे, एक बकरी के बदले में एक बकरी दे दे तो क्या काफी होगी।
कहा नहीं, एक बकरी के बदले में एक बकरी काफी नहीं। कहा दो बकरियां दे दे तो काफी होगी। कहा नहीं, दो बकरियां भी काफी नहीं। एक बकरी के बदले में पांच बकरियां दे दे तो काफी होगी। कहा नहीं, पांच बकरियां भी काफी नहीं। दस बकरियां दे दे तो काफी है। कहा नहीं, दस बकरियां भी काफी नहीं। सौ बकरियां दे दे तो काफी है। कहा नहीं, एक बकरी के बदले सौ बकरियां भी काफी नहीं। आने वाले ने कहा अल्लामा, इतनी क्या बकरियां महंगी हो गई एक दफा में? एक बकरी के बदले में सौ बकरियां दी जा रही फिर भी किफायत नहीं कर रही। कहा कि नहीं, इस महंगी होने की बात नहीं, बल्कि जो है बात यह है कि बुढ़िया के पास कुल सरमाया एक बकरी थी। उस बकरी को उसने जो बादशाह पर कुर्बान कर दिया। तो इंसाफ का तकाजा यह है कि बादशाह भी बुढ़िया को हर वो चीज दे जो उसके पास सरमाया, सारा बुढ़िया को दे दे, तब इंसाफ का तकाजा पूरा होगा। एक मरतबा आने वाले ने कहा लमा, बस तुम्हारा मसला हल हो गया। अब बताओ कि हुसैन ने राह खुदा में क्या चीज कुर्बान करने में अपने पास रखी थी? सब कुछ तो राह खुदा में कुर्बान कर दी, और इतनी कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी दी कि मौला सैयद सज्जाद सारी जिंदगी गिरिया करते रहे, आंसू बहाते रहे, और वो गिरिया किया कि गिरिए के इंस्टीट्यूशन को कायम करके चले गए। और अजीब व गरीब गिरिया करते थे कि मिनहाल कूफी कहा करते थे कि जिस जगह पर सैयद सज्जाद छत पर बैठ करके गिरिया किया करते थे, उस छत पर से इस तरह से आंसू टपका करते थे जिस तरह से परनाले पर से पानी गिरा करता, सैयद सज्जाद के आंसू उस पर से टपका करते थे। चुनांचे इतना गिरिया किया कि 35 साल तक मेरे मौला सैयद सज्जाद ने इस करबला के वाकयात पर जो गिरिया किया हमेशा याद किया करते थे, अशाम अशाम अशाम। चुनांचे जो है इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि जिसके नतीजे के अंदर 35 साल तक गिरिया करते रहे, और उसके बाद भी गिरिया जारी रहा। लेकिन जब जो है उनके मानने वाले असहाब सैयद सज्जाद के मानने वाले असहाब जो उनके पास दर्स पढ़ा करते थे, उनमें से एक जोहरी भी थे। जोहरी एक मर्तबा आते हैं और कहते हैं कि मौला आप हमारे घर तशरीफ लेकर आइए। सैयद सज्जाद कहा करते थे जोहरी तुम्हें तो पता है करबला के वाकये के बाद हम किसी भी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं किया करते। यहाँ तक के जमाना गुजरा, जोरी के जवान बेटे की शादी होती है और शादी का कार्ड लेकर, इनविटेशन लेकर, दावतनामा लेकर जोरी सैयद सज्जाद की खिदमत में पहुंचते हैं। लेकिन सैयद सज्जाद को दावतनामा जो मिला, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने एक सर्द आह भरी और कहा ए जोहरी तुझे तो पता है कि करबला के वाकये के बाद हम किसी भी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं किया करते। जोहरी ने हाथों को जोड़ा का मौला फिर हम आपको किस तरह अपने घर में दावत दे? कहा जोहरी अगर तुम मुझे अपने घर में बुलाना ही चाहते हो तो मेरे बाबा की मजलिस को कायम कर दो, मेरे बाबा की मजलिस को कायम कर दो। जहाँ मेरे बाबा की मजलिस होगी वहाँ पर मैं शिरकत किया करता हूँ। चुनांचे जोहरी ने अपने घर में मदीना के अंदर मस्जिद का मजलिस का ऐलान कर दिया। ये जोहरी ही की हिम्मत थी कि उन जमाने में जो मजलिस का ऐलान हो जाए। चुनांचे मदीना में अरे करबला वालों की मजलिस का ऐलान होना था कि मर्तबा लोग जोग दर जोग आने लगे, इसलिए कि मदीना वाले करबला वालों को खूब जानते थे। हाँ, अब्बास की जवानी को देखा था, अली अकबर के कमर हनी हाशिम को देखा था, कासिम की नौजवानी को देखा था, आन मोहम्मद के बचपन को देखा हुआ था, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के पर्दे के इस्तेमाल को मदीना वाले देख चुके थे। चुनांचे करबला वालों की मजलिस का सुनकर के हाँ हमारे सरदारों की मजलिस हो रही, लोग चूम
दर्जन जमा होने लगे, यहाँ तक कि एक बड़ा मजमा जमा हो गया। अब जोहरी ने सोचा कि मुझे अपने मौला आका सैयद सज्जाद को लेकर आना चाहिए। ये सोचकर घर से बाहर निकले, अब जो दरवाजा खोलकर देखा तो अजीब मंजर था। मौला सैयद सज्जाद दरवाजे पर खड़े हुए थे। एक मर्तबा घबरा कर हाथों को जोड़ा का मौला आपने जहमत क्यों फरमाई। काए जोरी, जहाँ मेरे बाबा की मजलिस होगी मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे दावत देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से पहुँचा करता हूँ। जोरी बड़े अदब और एहतराम से लाकर मौला सैयद सज्जाद को मिंबर के करीब ले जाकर के बिठा देते हैं। एक मर्तबा खतीब की मजलिस शुरू हुई, सिर्फ मसाइब का बयान, सिर्फ गम का बयान। वो गिरिया हुआ, वो कोहराम बपा हुआ, इसलिए कि करबला का वाकया ताज़ा वाकया था। चुनांचे करबला वालों की तस्वीरें आंखों में खिंच गई। एक मर्तबा इंतहाई ज्यादा गिरिया हुआ, कोहराम बपा हुआ, यहाँ तक कि किसी को किसी की खबर न रही। खतीब कब उतर करके चला गया ये भी लोगों को पता न चल सका। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मजमा छटने लगा। अब जो मजमा छटा, जोरी ने सोचा कि अब मुझे अपने मौला आका अपने उस्ताद के करीब जाना चाहिए और उनके करीब जाके बैठना चाहिए। चनांचे मिंबर के करीब आया, अब मिंबर के करीब मौला सैयद सज्जाद के पास आना चाहता तो देखा कि मौला सैयद सज्जाद मिंबर के करीब तशरीफ फरमा नहीं है। एक मर्तबा जोहरी ने आवाज दी, हाय मेरा आका कहाँ चला गया, हाय मेरा मौला कहाँ चला गया, हाय मेरा उस्ताद कहाँ चला गया। एक मर्तबा जोहरी सैयद सज्जाद को तलाश करते हुए चले, आवाज देते हुए चले, अजीब मंजर देखा। मौला सैयद सज्जाद वहाँ पर जहाँ पर आजादारों ने जूतियाँ उतारी थी, वहाँ पर बेहोशी के आलम में पड़े हैं। एक मर्तबा जोहरी घबरा के पानी मंगवाते और पानी का छिड़काव करने के नतीजे सैयद सज्जाद को होश में लाते। एक मर्तबा सैयद सज्जाद होश में आ, जोहरी ने हाथों को जोड़ा का मौला आप तो मिंबर के करीब तशरीफ फरमा थे, ये जूतियों के करीब कैसे तशरीफ फरमा हुए। काए जोहरी, तुझे नहीं पता जैसे ही खतीब ने मेरे बाबा की मजलिस को शुरू किया, मेरे बाबा के मसाइब को शुरू किया, मेरे बाबा की मुसीबतों का बयान करना शुरू किया, मैंने देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा मजलिस में आ रही है और आने के बाद वो जूतियों के पास तशरीफ फरमा हुई। अरे मैं भी अपनी दादी के पास जाकर के बैठ गया। على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بارے ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع ادام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، آغا سیستانیہ و خامنائیہ و سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دیں، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما، نسلاً بعد نسلاً ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ